हेलो एवरीवन, आज हम आइदर और नाइदर के यूज़ को समझते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि आइदर और नाइदर के प्रोनंसिएशन जो है वो दो हो सकते हैं। हम इसे आइदर भी बोल सकते हैं, हम इसे इधर भी बोल सकते हैं। तो हम नाइदर को नीधर भी बोल सकते हैं। तो प्रोनंसिएशंस जो है वो दो हैं, आइदर इधर, नाइदर नीधर। तो हम इसे कुछ पिक्चर्स और सेंटेंसेस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली पिक्चर आपको यहाँ दिखाई दे रही है, यहाँ टू कार्स आपको दिखाई दे रही है और मैं यहाँ सेंटेंस लिखता हूँ, आइदर कार इज अवेलेबल एंड आइदर ऑफ द कार्स इज अवेलेबल। तो जब मैं यहाँ आइदर कार लिखता हूँ तो आपको समझ आया होगा कि जब मैं आइदर के डायरेक्ट बाद यहाँ नाउन लगाता हूँ तो वो सिंगुलर नाउन होता है। आइदर कार लिखता हूँ मैं, अगर मैं आइदर के बाद ऑफ का यूज़ कर देता हूँ तो यहाँ पे जो है मैं प्लूरल नाउन लिखता हूँ। लेकिन एक खास बात आपने देखी होगी, दोनों ही केसेस में वर्ब जो है वो सिंगुलर है। देखिए यहाँ आइदर कार इज़ अवेलेबल एंड आइदर ऑफ द कार्स इज़ अवेलेबल। तो आपको एक बात समझ आई, आइदर के बाद यानी डायरेक्ट आइदर के बाद अगर मैं कोई नाउन यूज़ करता हूँ तो वो सिंगुलर होगा और आइदर ऑफ के बाद अगर मैं नाउन यूज़ करूँगा तो वो प्लूरल होगा। लेकिन दोनों ही केसेस में वर्ब होगी वो हमेशा सिंगुलर होगी। अब हम इसका मतलब जानने की कोशिश करते हैं। देखिए आइदर का मतलब जो है दैट इज़ वन और द अदर ऑफ टू थिंग्स। अगर मैं बात करूँ कि दो पीपल या दो थिंग्स में से कोई भी एक, तब मैं कहूँगा आइदर। यहाँ देखिए आप, वन और द अदर ऑफ टू थिंग्स, या दिस वन या दिस वन। ओके, तो हम जब दो में से एक की बात करते हैं तो मैं आइदर का यूज़ करूँगा। अब हम दूसरी पिक्चर देखते हैं, यहाँ लिखा है नाइदर मैन इज सुटेबल एंड नाइदर ऑफ द मैन इज सुटेबल। बिल्कुल उसी तरह से ही ये सेंटेंस आप देख सकते हैं, नाइदर मैन, अगर मैं नाइदर के डायरेक्ट बाद यहाँ पे नाउन लगाता हूँ तो वो नाउन सिंगुलर होता है। अगर मैं यहाँ पे नाइदर ऑफ लगा देता हूँ और इसके बाद अगर मुझे नाउन लगाना पड़ता है तो दैट विल बी प्लूरल नाउन। और दोनों ही केसेस में आप देख सकते हैं कि वर्ब जो है वो हमेशा सिंगुलर है। देखिए नाइदर मैन इज सुटेबल एंड नाइदर ऑफ द मैन इज सुटेबल। तो दोनों ही केसेस में जो वर्ब है वो सिंगुलर है। नाइदर के डायरेक्ट बाद, जैसे हमने आइदर में किया था, नाइदर के डायरेक्ट बाद अगर आप नाउन लगाते हो तो वो सिंगुलर होगा और नाइदर ऑफ के बाद अगर नाउन लगेगा तो वो नाउन प्लूरल होगा। अब इसका मतलब जानने की कोशिश करते हैं हम। जब मैं कहता हूँ नाइदर तो उसका मतलब होता है नॉट वन नॉट द अदर ऑफ टू थिंग्स, मीन्स दोनों में से कोई भी नहीं, ना ये ना ये। तो एक चीज़ क्लियर होती है कि आइदर और नाइदर हम दो के रेफरेंस में ही यूज़ करते हैं। अब हम कुछ कंपेटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कुछ करके देखते हैं। यहाँ देखिए कुछ एक सेंटेंसेज आपको दिए गए हैं, जैसे आइदर ऑफ द बॉयज डैश अ बुक, और आपको वर्ब फिल करनी हैज़ या हैव में से एक। तो आपको क्लियर है कि मैंने बताया कि सभी केसेस में वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो यहाँ आइदर ऑफ द बॉयज और सिंगुलर वर्ब आप देख सकते हैं, यहाँ हैज़ है तो हम यहाँ यूज करेंगे हैज़। तो हमारा सेंटेंस बन गया आइदर ऑफ द बॉयज हैज़ अ बुक। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, नाइदर ऑफ देम डैश इंटेलिजेंट। तो फिर वही बात है, क्योंकि आइदर और नाइदर कोई भी केस हो हमें क्या करना है, हमें वर्ब हमेशा सिंगुलर लगानी है। तो नाइदर ऑफ देम यहाँ पे आएगा इज, नाइदर ऑफ देम इज इंटेलिजेंट। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें लिखा है आइदर ऑफ द, अब हमने वर्ब नहीं पूछी, अब हमने पूछ लिया नाउन। तो आइदर ऑफ द, आपको पता है कि अगर आइदर के बाद ऑफ आया है इसका मतलब क्लियर है कि आपका नाउन जो होगा वो प्लूरल नाउन होगा, और यहाँ प्लूरल नाउन जो दे रखा है दैट इज गर्ल्स। तो यहाँ लिखेंगे आइदर ऑफ द गर्ल्स हैज अ डॉल। ओके, आइदर ऑफ द गर्ल्स हैज अ डॉल।
और अगर मैं नेक्स्ट सेंटेंस की बात करता हूं, आप देख सकते हैं नाइदर ओव द, फिर वही चीज पूछी है कि नाइदर के बाद ओव लगा है, तो आपको क्लियर है कि यहां भी नाउन जो आना चाहिए वो नाउन होगा आपका प्लूरल नाउन, और प्लूरल नाउन भी आपको दे रखा है यहाँ स्टूडेंट्स। तो यहां जो मैं लिखूंगा इधर नाइदर ओव द स्टूडेंट्स लिखूंगा, क्योंकि आपको पता है कि ओव के बाद अगर मुझे यहाँ नाउन लगाना है तो वो प्लूरल नाउन होगा। तो आपको बात समझ आई कि आइदर और नाइदर दो के रेफरेंस में हम बात करते हैं। जब मैं आइदर की बात करता हूँ तो उसका मतलब है कि टू पीपल और टू थिंग्स में से कोई एक, और जब मैं नाइदर की बात करता हूँ तो दोनों में से कोई भी नहीं। और एक बात और कि नाइदर और आइदर के डायरेक्ट बाद अगर कोई नाउन आएगा दैट विल बी सिंगुलर, और अगर नाइदर और आइदर ओव के बाद अगर ओव के बाद कोई नाउन आएगा तो वो हमेशा प्लूरल नाउन होगा। लेकिन अच्छी बात ये है याद रखने के लिए कि दोनों ही केसेस में आपकी वर्ब जो होगी वो हमेशा सिंगुलर होगी। आई होप दिस विल हेल्प यू।